ज्ञान से कर्म नष्ट होता है, अथवा कर्म का उद्देश्य ज्ञान ही है। प्रत्येक कर्म ज्ञान प्राप्ति के लिए है, फल प्राप्ति के लिए नहीं। ज्ञान प्राप्ति के लिए कर्म है तो क्या ज्ञान कर्म का फल हुआ क्या? नहीं, ज्ञान कर्म का फल नहीं है, ज्ञान उसकी परिसमाप्ति है। परिसमाप्यते कर्म सर्व अखिलम, सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। कर्म की इति श्री, कर्म की परिणति ज्ञान में ही होनी है। इसलिए ज्ञान की अग्नि के द्वारा ही कर्म अर्थात कर्म के फल भस्मसात होते हैं। कर्म भस्मसात होते हैं अर्थात उसके फल भस्मसात होते हैं, यानी उसके फल भोगने नहीं पड़ते। तीन प्रकार के फल होते हैं कर्म के, इष्ट कर्म, अनिष्ट कर्म, मिश्र कर्म। इष्ट यानी सकारात्मक, जिसको हम सत्कर्म कहते हैं, पुण्य कहते हैं, पुण्य कर्म कहते हैं, जिसको करने से पुण्य मिलता है, यानी वो हमारी श्री में वृद्धि करता है, हमको हमारी गति अध्यात्म की ओर, परमार्थ की ओर, अध्यात्म चेतना की ओर, अपने जीवन के लक्ष्य की ओर करता है, वह इष्ट है। अनिष्ट यानी तो इससे विपरीत ले जाता है, बाहर से इसका कोई संबंध नहीं है, बाहरी परिणाम से इसका कोई संबंध नहीं। वो अकबर बजवल का किस्सा बताते हैं ना, काल्पनिक ही होगा कि अकबर ने बिरबल को छेड़ा कि तुम हिंदू लोग बड़े बहुत ज्यादा भाग्यवादी हो, भाग्य की बात बहुत मानते हो। तो बिरबल ने कहा भाग्यवादी वगैरह तो हम है नहीं, लेकिन हम ये मानते हैं कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो अकबर ने कहा ये तो होता नहीं, ये तो कैसी बात कहते हैं, जो भी होता है वो अच्छे के लिए कैसे होगा, कुछ गलत काम होगा तो वो अच्छे के लिए कैसे होगा, वो तो गलत ही हुआ ना। इसके बाहर से क्या है उस पर निर्भर नहीं करता, वो बाहर से अनिष्ट लगने वाला भी इष्ट हो सकता है। तो वो किस्सा बताता है कि बाद में बीरबल और अकबर एक दिन जब मृगया पर गए शिकार खेलने के लिए गए, तो वहां पर बीरबल का हाथ कट गया, उंगली कट गई। तो अकबर ने कहा ये अच्छे के लिए? बोला हाँ ये अच्छे के लिए हुआ, जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। बोले ये क्या अच्छे के लिए, तुम्हारा खून निकल रहा है, तुमको दर्द हो रहा है, ये अच्छे के लिए कैसे हो सकता है? बोले अब पता चल जाएगा थोड़ी देर में। तो थोड़ी देर बाद वो जंगल में गए तो वहां पर उनको पकड़ लिया, और पकड़ लिया और उनको नरबलि देने की बात चल रही थी। तो नरबलि देने की बात चल रही थी तो वो नरबलि देते समय बीरबल को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि इसका अंग भंग हो चुका है। अकबर फंस गया, बाद में वो राजा आदि बोल के उसको छोड़ दिया। तो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, ये मानना भी एक हो सकता है। इसलिए इष्ट अनिष्ट और मिश्र, थोड़ा थोड़ा इष्ट थोड़ा थोड़ा अनिष्ट, ऐसा भी हो सकता है, ऐसे कर्म के फल होते हैं, ऐसा कहते हैं शास्त्र। इन सारे फलों को भुगतना पड़ता है, चाहे इष्ट कर्म हो चाहे अनिष्ट कर्म हो। यदि उसमें मैं कर रहा हूं यह बोध जुड़ा हुआ है तो उस कर्म को भोगना पड़ेगा, उसके परिणाम को भोगना पड़ेगा। उसको परिणाम को भोगने में दिक्कत क्या है? कोई परेशानी नहीं, भोगते रहो, ये चक्र चलता रहेगा, ये साइकिल चलती रहेगी। कर्म करोगे, कर्म का परिणाम होगा, वो परिणाम भोगने के लिए कर्म करने पड़ेंगे। परिणाम किस रूप में भोगोगे? वो भी कर्म के रूप में भोगोगे, वो भोगना भी कर्म है। और वो कर्म करोगे तो उसका फिर परिणाम होगा, तो फिर भोगोगे, फिर ये शरीर गलित गात्र हो जाएगा, शरीर से होगा नहीं तो मन से करोगे, मानसिक रूप से करोगे, इमेजिनेशन के कल्पना के स्तर पर करोगे, चलता जाएगा। मिथ्याचार उच्चते, चलता रहेगा वो पाखंड, नौटंकी चलती रहेगी, सारा जीवन उस कर्म को करते रहेंगे। शरीर छूटने के बाद अगले जन्म में भी करना पड़ेगा, तो जन्म मरण का वह बंधन चलता रहेगा। इसलिए कर्म बंधन से मुक्त होना ही वास्तविकता में मोक्ष है, मुक्ति है, और वो सब चाहते हैं। क्योंकि इस फेरे में हम करते रहो, फेरे में यदि सुखी हो तो करते रहो, उसमें क्या दिक्कत है? कह रहे कि इसमें सुख नहीं, इसको बदलना चाहते, इसमें कष्ट है, इसमें दुख है, इसमें परेशानी है। जो भी सुख का अनुभव होता है वो क्षणिक होता है, उसके तुरंत बाद दुख होता है, और ज्यादा समय तक दुख ही दुख में रहते हैं। इसका तो नानक दुखिया सब संसार, नानक जी कह गए, नानक दुखिया सब संसार। जो आते हैं वो दुखड़ा ही रोते हैं। उनके पास में, नानक जी के पास में एक 13-14 साल का बालक आता था, और वो बालक इतना अधिक परिपक्व था कि उसके
मन में वह ज्ञान जागृत था, श्रद्धा जागृत थी, इसलिए ज्ञान भी जागृत था, इसलिए सत असत विवेक उसके अंदर था। वो 13 साल के बालक के अंदर इतना जबरदस्त सत असत विवेक था कि जिस समय नानक जी के पास कोई सलाह लेने के लिए आते थे तो नानक जी उसको पूछते थे, भैया तू बता क्या। तो सब लोग कहते थे कि ये क्या, इसको क्यों बार बार आप पूछते हो। तो उन्होंने कहा एक दिन बोलते बोलते कि ये बड़ा परिपक्व है, उन्होंने पंजाबी में शब्द का प्रयोग किया, ये तो बाबा बूढ़ा है, उनका नाम ही बाबा बूढ़ा सिंह पर। और यदि आप वो अकालियों का साहित्य पढ़ेंगे, उनकी बहुत सारी चित्र कथाएं निकाली हुई है, तो उस सिखों की चित्र कथाओं में यदि आप देखेंगे तो उस 13 साल के बालक को इतनी लंबी सफेद दाढ़ी दिखाई है पैर तक, उसका वो ठिंगना सा था और पैर तक उसकी लंबी सफेद दाढ़ी और लंबे सफेद बाल, और ऐसी आख्यायिका बन गई कि 13 साल की उम्र में उसको कह दिया बाबा बूढ़ा है, तो उसको उसी समय दाढ़ी आ गई और लंबी दाढ़ी आई और सफेद दाढ़ी आई, ऐसी वो मान्यता है। इसके चित्र कथाओं में वैसे ही बाबा बूढ़ा सिंह को दिखाया जाता है। यह परिपक्वता वृद्धत्व है, वास्तविकता में बुढ़ापे का अर्थ यह है, वृद्धत्व का अर्थ यह है। वो परिपक्वता नहीं आई तो वयोवृद्ध होकर के क्या फायदा, ज्ञान वृद्ध तपोवृद्ध होने की बात है यहां पर। ज्ञान की वृद्धि, वो ज्ञान की वृद्धि करना तो उसके लिए मार्ग बताया, क्या मार्ग बताया, तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया, प्रणिपात से प्रश्न पूछ करके प्रणिपात करो अच्छी तरह से अपने आप को। प्रणिपात मतलब पैर छूना, ये तो है ही, वो तो करते ही हम, पैर छूने में कोई कमी नहीं रहती हमारी, हमको बचपन से संस्कार मिले, लेकिन पैर छूने से नमस्कार नहीं होता। अभी पिछले मई महीने में मैं मार्च में पहली बार दर्शन किए, बाद में मई में नासिक के ढेकने महाराज है उनके दर्शन किए, महायोग अद्भुत महायोगी उनके मैंने दर्शन किए, तो वो कहते हैं कि मैं बड़ी सहज ध्यान बताता हूँ, बड़ा सहज है मेरा महायोग जो है, बड़ा सहज है। क्या बताते हैं वो, उन्होंने सबको करवाया, 300 देशों के लोग सामने बैठे थे, सॉरी 40 देशों के 300-350 लोग सामने बैठे थे, और उन सारे लोगों को उन्होंने बड़ी सरल भाषा में अनुभूति करवा दी, उसी समय अनुभूति करवा दी, 10 मिनट में अनुभूति करवा दी। और क्या क्या उन्होंने आंखें बंद करवा करके कहा कि शरीर नहीं है ऐसा सोचो, और तब 2 मिनट कुछ उन्होंने छोटी 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 सूचनाएं देकर के अंग्रेजी में, और उनको कह दिया कि शरीर नहीं है, इस स्थिति में आ जाओ, और वो उनकी शायद आध्यात्मिक चेतना होगी, उनकी गुरुत्व की जागृति होगी कि उनके उन 2-4 सूचनाओं में सबने उसको अनुभव किया कि शरीर नहीं है। और फिर उन्होंने कहा उसके बाद में नमन करो, न मन, मन नहीं है इस स्थिति को पालो, न मन प्रणिपात, मन को, मन का प्रणिपात है, मन की शरणागति है। जब मन पूरी तरह से शरण हो जाता है उस समय वो परिपक्वता आती है। संत रामदेव की कथा बताते हैं ना कि बड़े पहुंचे हुए श्रद्धावान भक्त थे, कभी ईश्वर से दूरी नहीं हुए, बालपन में ही उनको भगवान के दर्शन हो गए। जिस समय पिताजी बाहर गए थे और कहा कि भोग चढ़ाने का काम आज से तेरे को करना है, और भगवान को भोग चढ़ाना, और भगवान आकर के खाना खाएंगे उसके बाद तू खाना। अब ये बालक, इसको क्या पता भोग चढ़ाने का मतलब नौटंकी होती है, केवल पानी भेज दो और बाद में खुद ही खाना है, उसके तो मन में कोई कपट है ही नहीं, उसके तो मन में कोई नाटकबाजी है ही नहीं, जो अंदर है वही बाहर है, यही तो ज्ञान है। ज्ञानी का कर्म यही है, जो अंदर है वही बाहर है। वो जाकर के वो बैठ गया और उसने कहा कि आओ खाना खाओ, खाना नहीं खाओगे तो कैसे काम चलेगा। और इंतजार करता रहा कि खाना नहीं खाएंगे तो मैं नहीं खाना खाऊंगा, तो आना पड़ा, भगवान ने आकर के उसके साथ बैठ करके खाना खाया और तब से भगवान से बात करने लगे, ऐसी स्थिति। लेकिन देखिए, ईश्वर का साक्षात्कार होता है, ईश्वर के दर्शन होते हैं, साकार ईश्वर के दर्शन होते हैं। और जैसा हमने स्वामी रामकृष्ण परमहंस के दृष्टांत से देखा था, उन्होंने स्वामी विवेकानंद को समझाया कि निर्विकल्प के, निराकार के दर्शन से अधिक महत्वपूर्ण साकार के दर्शन, अधिक कठिन भी है, अधिक ऊंचे भी है, अधिक मन की अधिक श्रद्धा भी चाहिए, अधिक प्रणिपात भी चाहिए। और वो ठाकुर ने करवाए निर्विकल्प के बाद साकार के करवाए रामकृष्ण ने विवेकानंद से। तो नामदेव को तो वो हो चुके, कितना बड़ा भक्त है, सतत विठोबा का चिंतन करता है, सतत उसके साथ एकाकार है और उससे बातचीत करता है, और उसके बावजूद आप देख लीजिए, मतलब ईश्वर साक्षात्कार की अंतिम स्थिति को प्राप्त करने के बाद भी ज्ञान नहीं हुआ,
मतलब ये जो कर्म को छिन्न करने वाला भस्मसात करने वाला ज्ञान है, उसके लिए उसको गुरु के पास जाना था। हम जानते हैं वो कथा को कि सारे संत बैठे और मुक्ताई ने और मजाक की और कहा कि गोरा कुमार को कहा कि मटका पक गया कि नहीं पक गया, कैसे पता चलता है बाबा बूढ़ा सिंह वाला पक गया कि नहीं पक गया, कैसे पता चलता है? तो गोरा कुमार ने कहा मेरा एक कसौटी का पत्थर होता है, उससे मैं ठक ठक करके देखता हूँ और वो आवाज से पता चल जाता है कि मटका कच्चा है या पक्का है। तो मुक्ताई ने पूछा मस्ती में कि इनके मटके देख लो जरा पके हैं कि नहीं पके। सारे के सारे संत बैठे, भक्त बैठे और गोरा कुमार सबके सिर पे वो पत्थर मार रहा है मजाक मजाक और सारे हंस रहे और चिटोली हो रही, मस्ती हो रही, उत्साह है। कहीं पर भी कहीं निराशा, वैराग्य का मतलब वो मूल अंबा करके गंभीर होकर के बैठना, वो वैराग्य नहीं, वैराग्य तो मस्त होता है। सारे हमेशा मस्ती में रहते हैं, जितने संत होते हैं वो मस्त मौला होते हैं, जो ईश्वर के सन्निधि में होते हैं वो मस्त मौला होते हैं। महात्मा गांधी का बड़ा सुंदर उदाहरण है, मैं उनकी बहुत कम बातें उद्धृत करता हूँ लेकिन कुछ बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है। उनमें से एक बात है, वो कहते हैं यदि आपके चेहरे पर मुस्कान नहीं है तो आप पूरी तरह से अपने कपड़े नहीं पहने। यू आर नॉट फुल्ली ड्रेस्ड इफ यू आर नॉट वेयरिंग अ स्माइल। एक अधनंगा व्यक्ति बता रहा है फुल्ली ड्रेस कौन हो सकता है। विसंगति देखिए, जो कभी खुद फुल्ली ड्रेस नहीं हुआ वो बता रहा है यू आर नॉट स्माइलिंग दैट यू आर नॉट फुल्ली ड्रेस्ड, यू हैव टू वेयर अ स्माइल। स्वामी विवेकानंद का कथन है, वो कहते हैं बालक ईश्वर के निकट होते कहते क्यों पता है? वहां वो मैंने बताया था सहस्त्र द्वीपोद्यान में, थाउजेंड आइलैंड पार्क में, उन्होंने अपने कुछ अंतरंग शिष्यों के साथ में और स्वाध्याय किया था कुछ वर्षों तक, कुछ महीनों तक रिट्रीट किया था और वहां पर उन्होंने ये वाक्य बोला है। उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि बालक जो होते हैं वो ईश्वर के निकट होते हैं। बोले क्यों पता है? क्योंकि वो सदा मुस्कुराते रहते हैं। जो मुस्कुराता है वो ईश्वर के निकट होता है। स्माइलिंग टेक्स यू क्लोज टू गॉड। इसलिए वैराग्य का तो लंबे चेहरे करना नहीं, तो सबके वो पत्थर मार रहा है गोरा कुमार, सब मुस्कुरा रहे, हंस रहे हैं, जोर जोर से खितोली कर रहे हैं, कोई कह रहा है इसकी आवाज कम आ रही, इसकी ज्यादा आ रही, ऐसे मस्ती चल रही। और जैसे वो नामदेव के पास में पहुंचा और पत्थर लगाएगा, उससे पहले नामदेव भड़क गया, वो तो बच्ची है उसको क्या समझता है, और तुम इतने बड़े होकर के और तुमको अकल नहीं आई क्या, और ये इतने सारे बड़े बड़े संत बैठे और उनके सिर पे तुम पत्थर मार रहे हो, ये कौन सा तरीका? और सारे लोग जोर जोर से हंसने लगे, इसका मटका तो कच्चा है अभी पका नहीं। और नामदेव अपमान को महसूस करके जाके विठोबा के चरणों में रो रहे कि देखो मेरा आज तुम्हारा इतना बड़ा भक्त, बचपन से तुम कहते हो कि मैं तुम्हारा सबसे प्रिय हूं और आज तुम्हारे भक्त का अपमान हो गया। सारे लोगों ने ठिठोली के अपमान की। तो विठोबा ने कहा नहीं भैया, सही कह रहे हो, वो मटका तो कच्चा है, अभी मटका तो पकाना पड़ेगा। तो बोले कैसे पकेगा? गुरु के पास जाओ, तद्विद्धि प्रणिपाते न, उसके सिवा नहीं होगा। और इसलिए फिर वो हम जानते हैं वो कथा कि उसको विश्वभर खेतर के पास में भेजा और वहां पर वो जाकर के जब देखे तो एक वृद्ध व्यक्ति जो अपना पैर भी नहीं उठा सकते, ऐसे जिनको अपने शरीर को भी उठाने की स्थिति में ऐसे व्यक्ति रहते हुए, और वो देख करके जब पूछते पूछते गए मंदिर में, उनको भेजा कि वो वहां पर रहते, तो पूछते पूछते गए, इतना बड़ा नाम विठोबा ने बताया गुरु करके, उसके पास जाना है। जाकर के देखा तो वो ऐसा व्यक्ति, ऐसा उद्दंड व्यक्ति कि शिव जी के पिंडी के ऊपर, लिंग के ऊपर पैर रख करके सोया, और शिव जी के पिंडी पर पैर रख करके सोया है। ये देख करके नामदेव बड़ा परेशान, ये किसके पास भेज दिया मेरे को, इस व्यक्ति से मैं दीक्षा लूंगा, ये मेरा गुरु बनेगा, इसको तो इतनी छोटी सी तमीज नहीं कि भगवान पे पैर नहीं लगाते, भगवान पे पैर रख करके सोया। तो कहने लगा कि ये क्या, तुमने कैसे सोए? बोले बूढ़ा हूं, उठा नहीं सकता, तुम उठा दो। तो नामदेव ने उठा करके पैर रखे, जहां पैर रखे वहीं पिंडी आ जाती, जहां पैर रखे वहीं शिवलिंग अवतरित हो जाता, जहां पैर रखे वहीं शिवलिंग अवतरित हो जाता। और इस माया को देख करके नामदेव के ज्ञान हुआ कि ईश्वर तो कण कण में व्याप्त है, मूर्ति में नहीं। जिस ज्ञान को प्राप्त करने से फिर मटका पक्का हो। तद्विद्धि प्रणिपाते न, अपने अहंकार को छोड़ करके, अपने मन को पूरी तरह से नमन करके पूरी तरह से गुरु के चरणों पर अर्पित करके, ये ही तरीका है जिससे ज्ञान हो सकता है। प्रणिपाते न, परिप्रश्न न, पूरी तरह से ढंग से पूछ करके, प्रश्न से, स्वयं को पूछना, दूसरे को पूछना, बाहर में पूछना, पूछने से कभी नहीं, परिप्रश्न में ठीक से पूछना। प्रश्न कैसा पूछा जाता है उस पर निर्भर करता है कि उत्तर क्या मिलता। हम प्रश्न सही चयन नहीं करते इसलिए उत्तर नहीं मिलता, और फिर कहते उत्तर नहीं मिलता, उत्तर मिलता नहीं क्योंकि प्रश्न पका नहीं है,
प्रश्न को पकाना पड़ता है। जिज्ञासा प्रश्न नहीं है, जिज्ञासा तो जिज्ञासा है, जिज्ञासा जानकारी, जिज्ञासा से जानकारी मिलेगी, ज्ञान नहीं मिलेगा, प्रश्न से ज्ञान मिलेगा। अर्जुन ने जिज्ञासा नहीं पूछी, अर्जुन ने प्रश्न पूछे, शंकाएं भी पूछी, शंकाएं भी पूछी। जिज्ञासा हो सकती है, शंका हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी जो स्थिति है वह प्रश्न की स्थिति है, वह प्रश्न पूछना परिप्रश्न है ना, और सेवा से। और फिर उसका मार्ग भी बता दिया इन तीनों के लिए, क्या बताया, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तत्पर संयतेन्द्रिया, जो तत्पर है, श्रद्धावान है, संयतेन्द्रिय है, उसको ज्ञान मिलता है और इस ज्ञान में सब कुछ भस्म हो जाता है, वो सब बता दिया। लेकिन मजेदार बात ऐसी है हमारे मन की, मन की ऐसी स्थिति है कि हमारा मन कई बार केवल वही कार्य करता है, कई बार क्या अक्सर, हमेशा हमने ऐसी आदत ही डाल दी है मन को कि मन वही काम करता है जो अनिवार्य हो जाता है, अनिवार्यता के बिना काम नहीं करते। इसलिए तो लास्ट डेट पे सब सब जगह पर लंबी लाइनें लगी होती है। लास्ट डेट तक क्यों रुके भैया, जब ऐसी स्थिति हो जाती है, अभी नहीं तो कभी नहीं, तब हम काम करते हैं। हम सारे कामों को अर्जेंट बनाते हैं और अर्जेंट बना करके फिर उसको करते हैं। जिस समय वो अर्जेंट नहीं होते हैं तब हम उसको टालते रहते हैं। इसलिए योग शास्त्र में जो मनुष्य का जो सबसे बड़ा शत्रु बताया, आलस, प्रमाद आएगा तो गीता में, उस प्रमाद का एक जो रूप है उस रूप को नाम दिया दीर्घसूत्री। कौन है, मूर्ख के लक्षणों में समर्थ रामदास प्रयोग करते हैं उसका, मूर्ख के लक्षण जो उन्होंने बताया उसमें बताया था दीर्घसूत्री, टालते रहता है। जब तक कोई काम अनिवार्य नहीं हो जाता, अभी नहीं तो कभी नहीं, तब तक टालते रहते, और दो मिनट बाद, और दो मिनट बाद, थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद, कल, हाँ हो जाएगा, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। यह जो प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं अंग्रेजी में, टालने की बात है, उसको संस्कृत का शब्द है, ये जो टालने वाले लोग होते हैं उनको कहते हैं दीर्घसूत्री। भगवान कृष्ण जानते हैं, अर्जुन को भी जानते हैं, अर्जुन जैसा हम सबको भी जानते हैं कि बोले ये सारे के सारे दीर्घसूत्री लोग हैं। जब तक इनको ये समझ में नहीं आएगा कि अनिवार्य है, तब तक ये ठीक है ना, श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्पर संयतेन्द्रिया, जो संयतेन्द्रिय है, तत्पर है, श्रद्धावान है, उसको ज्ञान मिलता है, ठीक है, हम कोशिश करेंगे, श्रद्धा देख जाएगी, जब होगा तब देखा जाएगा, हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा नहीं, इसके बिना पर्याय नहीं है, ये चॉइस नहीं है तुम्हारा, ये विकल्प नहीं है कि श्रद्धावान हो जाओ, ज्ञान की प्राप्ति कर लो और कर्म से छुट्टी पा लो। मैं नहीं चाहता श्रद्धावान बनना, श्रद्धा रखना नहीं चाहता, तत्पर होना नहीं चाहता, आलसी बने रहना चाहता हूं। संयत इंद्रिय नहीं, इंद्रिय राम होकर के मोहम पार्थ सजीवती, उसमें जीना चाहता हूं मैं, उसी में कीचड़ में भैंस को मजा आता है, वैसे मेरे को भी उस लपड़ लपड़ में मजा आता है, मैं संयत इंद्रिय नहीं बनना चाहता, चॉइस नहीं दिया भगवान श्री कृष्ण। अगले श्लोक में वो कहते हैं अज्ञ अश्रद्धान संशयात्मा विनश्यति, उसका विनाश निश्चित है। जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं करता, जिसके मन में श्रद्धा जागृत नहीं होती, ऐसा जो संशयात्मा है, संशय करने वाला है, वह संशय करने वाला निश्चित विनाश को जाता है। दुर्योधन का प्रश्न है, दुर्योधन कहता है जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, क्यों, संशयात्मा, जो संशयात्मा है उसका विनाश होता है, वह कभी विश्वास ही नहीं करता, स्वयं पर भी नहीं करता, अपनी परछाई पर भी नहीं करता, दूसरे पर भी नहीं। कौन है संशयात्मा, जो ज्ञानी नहीं, जो श्रद्धावान नहीं, जो संशयात्मा है, ऐसा जो व्यक्ति है। ये एक ही व्यक्ति के तीन विशेषण है, ये तीन अलग अलग नहीं, जिसकी श्रद्धा नहीं है वो संशयात्मा ही होगा, जिसको ज्ञान नहीं है उसमें श्रद्धा नहीं होगी। इसलिए ज्ञान की लौ जगने से, ज्योत जगने से, थोड़ी सी अनुभूति होने से श्रद्धा जगती है, श्रद्धा जगने से संशय समाप्त होता है, संशय समाप्त होने से ज्ञान के पथ पर मार्ग क्रमण शुरू हो जाता है। जिसका ये तीनों नहीं होता वो मार्ग से भटक जाता है, विनश्यति, मार्ग से भटक जाता है, पथ भ्रष्ट हो जाता है, पथच्युत हो जाता है, पथ में नहीं रहता, अपने जीवन पथ में नहीं रहता, ये संशय गर्भ है। इसलिए महाभारत का वो प्रसंग बड़ा जबरदस्त है, जिस प्रसंग में दूत बनकर के कृष्ण जाते हैं। आगे का प्रसंग तो हम सबने बहुत बार पढ़ा है,
लेकिन वो दूत बनकर के जाने के पहले का जो संवाद है वो महाभारत में बड़ा अद्भुत संवाद है। पांचों पांडवों से कृष्ण बुलवाते हैं, बुलवाते हैं, एक एक से बुलवाते हैं कि मैं जो निर्णय लूंगा वो अंतिम होगा, फिर बाद में ऑब्जेक्शन नहीं लोगे, बता दो अभी, अभी बता दो क्या है। धर्मराज युधिष्ठिर, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने वो कहा पांच गांव भी मिल जाए तो चलेगा, तो धर्मराज ने कह दिया। कृष्ण ने कहा क्या है ये, चलेगा क्या? पूछा भीम को, पूछा चलेगा क्या? तो भीम बोले ये हमेशा ऐसा कुछ ना कुछ बोल देता है। अरे तू बता, आप जो करोगे वो फाइन, कृष्ण को आप जो करोगे वो फाइन। उस समय नकुल और सहदेव, सहदेव की जो भक्ति है, सहदेव की जो कृष्ण के प्रति अटूट निष्ठा है, इतनी अद्भुत है, इतनी अद्भुत है। वो कृष्ण को कहता है कि क्या मजाक करते हो आप हमको पूछ रहे हो कि जो आप करोगे वो फाइनल, हम जो चाहते हैं उसके विपरीत तो आप कुछ कर सकते हो क्या? भक्त की इच्छा के विपरीत ईश्वर कुछ कर सकता है क्या? कृष्ण कहते हैं क्या बात कर रहे हो, सबको लगता है, सबको आश्चर्य लगता है, तुम कह क्या रहे हो। सहदेव कृष्ण को चुनौती देता है, सहदेव कृष्ण को कहता है कि तुम एक कदम आगे डाल करके दिखा दो, दो मिनट बाद में मैं ध्यान लगाता हूं और ध्यान में तुमको पकड़ लेता हूं। कृष्ण को अपने ध्यान में पकड़ लेता है सहदेव और कहता है एक कदम चल के दिखा दो। कृष्ण हिल नहीं पाते, अपने ध्यान से कृष्ण को आबद्ध करने की शक्ति रखता है सहदेव, ऐसी बात। इसलिए वो कहता है तुम जो करोगे वो हमारे लिए फाइनल ही है, क्योंकि तुम वही करोगे जो हमारे लिए आवश्यक होगा, हमारे अनुकूल होगा। द्रौपदी अपना रौद्र रूप दिखाती है, अपने वो खुले बाल दिखाती है और वेणी का बंधन अभी नहीं हुआ वगैरह वगैरह, वो बड़ा अद्भुत, वो सारे श्लोक बड़े सुंदर है। पर कृष्ण एक एक से बुलवा लेते हैं, एक एक से, मैं जो कहता हूं वो करोगे, और ये केवल इस दूत के रूप में जा रहा हूं, वहां जो मैं बातचीत करने के लिए जा रहा हूं, बस लेकर के गए थे ना लाहौर, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, केवल केवल उस बातचीत की बात नहीं कर रहा, उस कूटनीति की बात नहीं कर रहा, बाद में युद्ध में भी जो मैं कहूंगा वो मानोगे, फाइनल अथॉरिटी, जो जो मैं कहूंगा वो करोगे, सबसे बुलवा लिया उसने। ऐसे ही नहीं, वो सारथ्य करने बैठा, सबसे बुलवा लिया, पूरी तरह से बांध लिया, पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर के बांध लिया पूरी तरह से, कि नहीं अब नहीं कुछ नहीं, जो मैं कहूंगा वो करना है। और इसलिए पूरे युद्ध में नेपथ्य में रह करके और उसने दिग्दर्शन किया है, उस श्रद्धा के बूते पर कृष्ण ने सारे युद्ध को चलाया। और वो श्रद्धा जहां टूटी संशयात्मा विनश्यति, जहां जहां टूटी वहां वहां करो। युधिष्ठिर को अपनी व्यक्तिगत सम्मान, व्यक्तिगत निष्ठा, व्यक्तिगत प्रतिज्ञा, व्यक्तिगत धर्म कृष्ण के कथन से महत्वपूर्ण हो गया, उस बात के कारण युधिष्ठिर का रथ नीचे आया है। युधिष्ठिर झूठ नहीं बोला महाभारत में, ओरिजिनल महाभारत में युधिष्ठिर के झूठ बोलने की कथा नहीं है, युधिष्ठिर सच ही बोला है। कृष्ण ने कहा झूठ बोलने को, उसने माना नहीं कृष्ण की बात, संशयात्मा विनश्यति। इसलिए वहां जाकर के बाद में वो जब स्वर्गारोहण किया उसने, उसके बाद में जाकर के उसको नरक के दर्शन करने पड़े थे। मतलब केवल यही नहीं दिया है, अगली लाइन में वही दिया है, यह लोक तो मिलता ही नहीं, दूसरा लोक भी नहीं मिलता, सुख भी नहीं मिलता, नायम लोकोस्ति अयज्ञस्य, नहीं नायम लोकोस्ति न परो न सुखम, न ये लोग न परलोक न सुखम, कुछ नहीं मिलता। धर्मराज युधिष्ठिर के साथ वही हुआ, कृष्ण ने उसको कहा कि कह दे भैया अश्वत्थामा मर गया, उसने कहा नहीं कहूंगा झूठ है। तो भीम ने कहा सच कर देते हैं, मैं मार देता हूं अश्वत्थामा को, तो उसने हाथी को मार दिया अश्वत्थामा नाम के, अब तो सच हो गया मर गया अश्वत्थामा। नहीं नहीं बोला हाथी मरा है, मैं तो पूरी बात बोलूंगा, आधा सत्य नहीं बोलूंगा, पूरा सत्य बोलूंगा, व्रत लिया है मैंने, मेरा व्यक्तिगत व्रत है। अरे राष्ट्रहित में खड्डे में जाए तेरा व्यक्तिगत, धर्म के हित में डाल दे अपना व्यक्तिगत व्रत, छोड़ दे, क्या फर्क पड़ता है। नहीं मानने को तैयार, मैं सच ही बोलूंगा। हाँ ठीक है बाबा सच बोलना, तो मैं बताऊंगा जाकर के अश्वत्थामा नाम का हाथी मरा,
तो कृष्ण ने कहा ठीक है भैया, लेकिन संस्कृत में कहीं भी कोई भी शब्द लगाने से चल जाता है, तो तुम हाथी अंत में बोलना इतना तो करो। वो भीम ने कहा कि तुम काहे इसके पीछे पड़े हो, मैं जाकर के बता देता हूँ। तो कृष्ण कहे तेरे बताने पे विश्वास कौन करेगा, तू बता तो देगा, विश्वास करना चाहिए ना, अकाउंटेबिलिटी क्रेडिबिलिटी तो उसकी है ना। दिग्विजय सिंह के बोलने को कौन मानता है, अरविंद केजरीवाल के बोलने पर होता है कुछ कुछ, भीम के बोलने को कौन मानेगा, तुम जाकर के बोलो, युधिष्ठिर बोलेगा तब काम चलेगा। इसलिए उसने बोला अश्वत्थामा हतः कुंजरः, अश्वत्थामा मरा हाथी, नरोवा कुंजरोवा नहीं बोला है। या हम लोगों ने मराठी साहित्य में पूरा फैला दिया कि नरोवा कुंजरोवा बोला करके, नरोवा कुंजरोवा नहीं बोला, युधिष्ठिर ने अर्ध सत्य भी नहीं बोला, पूर्ण सत्य बोला, अश्वत्थामा हतः कुंजरः। ये अपने डायरेक्टर साहब थे, इन्होंने पांचजन ने फूंक दिया, कुंजरः सुनाई नहीं दिया द्रोणाचार्य को। एक तो खुद का शोक, अश्वत्थामा मरा, अश्वत्थामा का नाम लेते ही पुत्र मोह। द्रोणाचार्य के जो सबसे बड़ी कमजोरी थी वह सबसे बड़ी कमजोरी पुत्र मोह थी। सारा जीवन उनका पुत्र मोह के लिए, सारे जीवन में जितना गड़बड़ हुआ है, वो जो अधर्म के मार्ग पर गया और कौरवों के इतना बड़ा विद्वान व्यक्ति, शास्त्र का ज्ञाता, ऐसा होते हुए भी और व्यावहारिक धनुर्वेद का उनके जैसा शिक्षक नहीं सारे भारतवर्ष में उस समय, ऐसा होते हुए भी वो गलत दिशा में क्यों खड़े है युद्ध में, उसका कारण है पुत्र मोह। सारा बचपन से द्रुपद से लड़ाई पुत्र मोह के कारण, द्रुपद के प्रति प्रतिज्ञा पुत्र मोह के कारण। इतना ही नहीं, यहां जब कौरव पांडवों को सिखाते थे उस समय भी अपने पुत्र को ज्यादा सिखाते थे। कब सिखाएंगे ज्यादा, सारा का तो सारा समय इन 105 लोगों को सिखाने में जा रहा है, अश्वत्थामा को कब ज्यादा सिखाएंगे। तो अश्वत्थामा को ज्यादा सिखाने के लिए उन्होंने ट्रिक खोज रखी। सबसे पहले सबको पानी भर करके लाना पड़ता था गंगा जी से, और पानी ला करके और फिर पाद्य पूजा होती थी और उसके बाद शुरू होता था। तो सुबह जब सब लोग पानी लाने के लिए जाते थे तब अश्वत्थामा को बड़े मुंह का लोटा दे रखा था, तो बाकी सबके लोटे भरने में जितना समय लगता था अश्वत्थामा को कुछ समय कम लगता था, वो जल्दी से दौड़ करके आ जाता था। वो जो 2-3 मिनट एकांत मिलता था उसमें उसको नारायण अस्त्र नाम का अस्त्र अतिरिक्त सिखाया अश्वत्थामा। अर्जुन ने पकड़ ली चोरी, अर्जुन पीछे पड़ गया और अर्जुन को फिर भी नहीं सिखाया वो नारायण अस्त्र, अर्जुन ने जब अज्ञातवास में गया था उस समय सीखा, छोड़ा नहीं उसने, उसने और 10-12 और अशुपतास्त्र आदि अस्त्र अधिक अश्वत्थामा से सीखे अर्जुन ने, वो अपनी निष्ठा से। द्रोणाचार्य ने तो अपना पुत्र है करके अतिरिक्त सीखा। परम पूजनीय गुरु जी ये कथा बताया करते थे कि हमने भगवे ध्वज को गुरु क्यों रखा, कि किसी भी मनुष्य को गुरु रखेंगे तो चाहे कितना बड़ा विद्वान हो गड़बड़ कर सकता है, इसलिए मनुष्य की जगह हमने अपौरुषेय गुरु रखा। ऐसे वो द्रोणाचार्य अश्वत्थामा का नाम सुनते ही हिल गए, इसलिए कुंजरा तक सुना कि नहीं सुना यही पता नहीं, और कुंजरा के समय पांचजन ने फूंक दिया। लेकिन संशय तो आ गया ना, वचन दिया था कृष्ण को तू जो कहेगा वो करेंगे, उसके बावजूद युद्ध में नहीं किया, इसलिए युधिष्ठिर का जो रथ है वो जमीन का। ये संशय ही सबसे बड़ी दिक्कत है। इस देश में इतने सारे इतिहास में इतने आक्रमणों के बीच में यह संस्कृति अड़िग रही, सबसे ज्यादा इसका नुकसान किसी ने किया तो वो अंग्रेजों ने किया। क्यों पता है, क्योंकि अंग्रेजों ने इस देश के मानस में संशय का बीज जबरदस्त तरीके से बो दिया, और हम सारे के सारे आज भी तथाकथित बड़े लिखे लोग आत्म संशय की बीमारी से गुजर। हमको अपने इतिहास के प्रति संशय, अपने गौरव के प्रति संशय, अपनी क्षमता के प्रति संशय, अपने दिव्य होने के प्रति संशय, हम अपने आप को भुला गए। इस संशय से विनाश होता है, यहां भी परलोक में भी, और केवल लोक और परलोक जाने की बात नहीं है। लोक जाने का मतलब इस जन्म में जिस कार्य को करने के लिए पैदा हुए उस कार्य का साक्षात्कार ही नहीं होगा संशय आत्मा को,
अज्ञ अश्रद्ध संशयात्मा को इस लोक में इस जगत में अपने कर्तव्य का भान ही नहीं होगा, क्या करने के लिए मैंने जन्म लिया ये प्रश्न ही उसके मन में उदित नहीं होगा, वो संशय में ही डूबा रहेगा। इसलिए ये लोक तो उसका डूबेगा ही, परलोक भी डूबेगा, शरीर छोड़ने के बाद भी वो संशय उसको नहीं जीने देगा। इतना ही नहीं, जो वो काम करेगा अपने कर्तव्य के अलावा उस काम में उसको सुख भी नहीं मिलेगा। इसलिए श्रद्धावान तत्पर संयतेंद्रिय होकर के ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य है, ये नहीं करोगे तो जीना भी दूभर हो जाएगा। इसलिए टालने का ऑप्शन नहीं है कि जिसके पास श्रद्धा होगी वो नचिकेता कर लेगा, मेरे को क्या लेना देना, नहीं, हम में से प्रत्येक को करना पड़ेगा यदि जीना चाहते हो तो, यदि सुख चाहते हो तो। यदि शांति से सुख से जीना भी है तो भी संशय का निवारण आवश्यक है, और संशय का निवारण आवश्यक है तो उसके लिए श्रद्धा आवश्यक है, किसी पर भी लगे। हमारे लोग कहते हैं कि पत्थर को भगवान मान लेते, अरे पत्थर को भगवान मानने से भगवान वो तो भगवान हो ही जाएगा, तुम भक्त हो जाओ। मूल बात तो वो है, तुम्हारी शंका का मिटना आवश्यक है, तुम्हारे संशय का मिटना आवश्यक है। यह संशय विनाश करता है, यह संशय जीने नहीं देता, यह संशय जीवन को नष्ट कर देता है। हम सब लोग इस जिस प्रकार की शिक्षा पद्धति में चल रहे हैं, वह शिक्षा पद्धति हमारे दिमाग में संशय ही भरती है और कुछ नहीं करती। इसलिए हम अपने मार्ग के प्रति सतर्क नहीं होते। परसों जब मैं वहां परसिस्टेंट में सार्थक का की कार्यशाला ले रहा था, तो वो इंजीनियर्स में से, सॉफ्टवेयर के इंजीनियर उनमें से एक ने मेरे को पूछा, सारी बात होने के बाद में मैंने कहा किसी के मन में कोई बात हो, शंका हो, प्रश्न हो तो पूछो। तो उसने पूछा, स्वामी एकानंद 100 साल पहले कह करके गए, आप हमको 100 साल बाद बताने के लिए क्यों आए हो, पहले क्यों नहीं बताया, बचपन में बता दिया होता तो अब तक सुधर नहीं गए होते, इतने साल क्यों हमारे बर्बाद किए। बात सही है, इतनी शिक्षा दी नर्सरी से लेकर, वो क्या प्री स्कूल से लेकर नर्सरी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन किया, इंजीनियरिंग किया, न जाने कौन सी परीक्षाएं दी, लेकिन यह प्रश्न किसी ने पूछा ही नहीं कि जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या करने के लिए पैदा हुआ, जीवन है क्या। केवल संशय ही संशय मन में भर दिया। आज यह स्थिति हमारे पढ़े लिखे लोगों की यह स्थिति, हमारा तथाकथित रूप से अनपढ़ आदमी वह श्रद्धावान है, जो पढ़ा लिखा है वह अश्रद्धा है, संशयात्मा है। हम अपने अंदर झांक करके देखिए कि हमारे मन में कितना संशय भरा हुआ है, अपने आप के प्रति, दूसरे के प्रति तो है ही, लेकिन सबसे पहला संशय स्वयं के प्रति है। स्वयं के प्रति संशय हमारी क्षमताओं को दबा करके रखता है, हमारी क्षमताएं बाहर नहीं आती, हम अपनी क्षमताओं का अपने जीवन में उपयोग नहीं कर पाते इस संशय के कारण। और जिसके मन में संशय होता है वो डूबता है। स्वामी विवेकानंद बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं बताते, एक कथा वो बताते थे एक बालिका की, मणि नाम की बालिका, वो बालिका है, पढ़ी लिखी नहीं है, ग्वाले की बेटी है, दूध घर घर बांटने का काम करती, गंगा जी के किनारे उसका घर है, गंगा जी के उस पार उसका घर है और इस पार उसके सारे ग्राहक है, वो आती है रोज और दूध बांट करके जाती है। एक पंडित जी है जिनके घर में भागवत चल रही है, उनके घर में भी ये दूध देने आती है, तो जब भागवत चल रही है उस समय वो करती है बाकी लोगों को दूध देकर के, अंत में इनके आती है और पूरी भागवत सुन करके जाती है, और भागवत सुनती है श्रद्धा जग जाती है मन में, और वो भागवत सुन करके और श्रद्धा जगती है, और उसके कारण अगले दिन से जल्दी आने लगती है। पंडित जी देखते हैं वो वहां से छुप करके वो बालिका सुनते रहती है भागवत, और दूसरे दिन देखते आज तो ये जल्दी आ गई, कथा शुरू होने के समय ही आ गई। तो 2-4 दिन होने के बाद उसको पूछते, तू कथा शुरू होने से पहले तो लेट आती थी, तो बोले पहले तो मेरे को नाव से आना पड़ता था, तो नाव से आती थी तो नाव वाला जब लेके आएगा तभी आ सकती थी, तो बोले आप जल्दी कैसे आने लगी, तो बोले उस दिन आपने कथा में बताया ना जो भगवान पे श्रद्धा रखता है और भगवान का नाम लेता है वो तो पानी पे भी चल सकता है, तो बोले अब मैं पानी पे चल के आ जाती हूँ, नाव के लिए मेरे को रुकना नहीं पड़ता, गंगा जी को पार कर लेती हूँ। तो बोले कैसे पार करती, बोले गोपाल 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 आवाज देती हो और चलती हो, तो बोले कैसे, तो बोले वो उंगली पकड़ करके चलाता है ना गोपाल तो आ जाती हो। तो पंडित जी देखते रह गए, वो बालिका मणि उसका नाम, स्वामी जी नाम वगैरह रख करके और ऐसी कथाएं सुनाते थे, बड़ी अद्भुत रंगा रंगा की कथा सुनाते। तो पंडित जी ने कहा सच्ची बोल रही है, बोले हाँ सच बोल रही हूँ देख लो, अभी मैं जाऊंगी वापस, तो बोले वैसी कहेगी, बोले हाँ जाऊंगी आप देख लेना।
तो ये गए गंगा किनारे, सारे लोग इनके साथ में देख रहे और वो मणि गोपाल 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 बोलती चली गई, उंगली ऐसे रखी हुई, उनको तो गोपाल दिख नहीं रहे, मणि को तो गोपाल दिख रहे, वो उसकी उंगली पकड़ करके ले जा रहे उसको और गंगा जी पार कर गए। अब पंडित जी परेशान, दूसरे दिन वो आए तो पंडित जी इसके प्रणिपात, दंडवत, भैया तू तो बहुत बड़ी भक्त है, मैं इतनी कथा करता हूँ इतना बोलता हूँ, मेरी कथा नहीं है तेरी जगह, तो ऐसे कैसे बात करते हो पंडित जी, आप तो बहुत बड़े पंडित जी हो, आपको तो गोपाल क्यों नहीं, आप गोपाल का नाम लो और चलो। बोले सच कह रही है? बोले हाँ सच कह रहे। तो ठीक है मैं भी चलता हूँ। उसने भी सोचा उस बालिका के बोध से, उसकी श्रद्धा से इंडक्शन इफेक्ट, इसके अंदर श्रद्धा जगी, इतने दिनों से भागवत कर रहे हैं श्रद्धा नहीं जगी, उस बालिका को देख करके अनुभूति से श्रद्धा जगी और वो चलने के लिए तैयार हो गया गंगा जी पे। और गंगा जी पे चला और गोपाल गोपाल मन में बोला बोलते जा रहा है, चार कदम चला पीछे मुड़ करके देखता है वो बालिका और सब लोग देखते हैं, वो बालिका भी साथ में आ रही, बोले बहुत बढ़िया पंडित जी चलो गोपाल गोपाल गोपाल, चल रहा है। पांच छह कदम और चलने के बाद उसको खुद पे ही शंका हो गई, उसने धोती को ऊपर उठाया, धोती गीली तो नहीं हो गई देखने के लिए, और डूब डूब गया, धोती उठाई और पंडित डूब गया, संशय आत्मा विनश्यति, श्रद्धा जी तक तैर गया, श्रद्धा डूबी और संतरिष्यति नहीं हो सकता, ज्ञान प्लवेन, उस नौका से ही, ये श्रद्धा से ही होता है, जिसकी श्रद्धा है उसको दिखता है। एक और वो कथा स्वामी जी बताते थे, उसको उन्होंने नाम दिया था जटिल, हमने सुनी है कथा, स्वामी जी ने उसको नाम दे दिया जटिल। बोले वो जटिल जाता था और अपने घर से दूसरे गांव में जाता था और वहां पर जाकर के स्कूल में बैठता था और बीच में जंगल पड़ता था, तो जंगल में उसको डर लगता था, तो माँ ने कह दिया उसको, जंगल में तेरा मित्र है उसको बुला लेना, वो जंगल में ही रहता है, मोर का पंख लगाता है, पीतांबर पहनता है, पीले रंग की धोती पहनता है, गांव को चराता है, बांसुरी होगी उसको देख लेना। और बोले नाम क्या है? तो बोले गोपाल, आवाज दे देना वो आ जाएगा और तुमको डरने की जरूरत नहीं, अकेले थोड़ी हो, तुमको जंगल पार करा देगा। और जटिल रोज आवाज लगाता और रोज गोपाल आता और रोज उसको पार करा देता, और वो माँ को बताता कि गोपाल ने पार किया, माँ ने कहा चलो ठीक है यार पिंड चला, इसका डर तो चला गया, माँ को भी विश्वास नहीं उसके कि वास्तविकता में गोपाल आता है, ना गुरुजी को विश्वास। और फिर एक दिन जब जिस दिन गुरुजी का जन्मदिन होता है वगैरह, हमको पता है वो कथा, तो वो इस प्रकार का वो लेकर के जाता है कि वो खत्म ही नहीं होता, अक्षय पात्र लेकर के जाता है, तब गुरुजी कहते ये काश किसने दिया? तो बोले मेरे भाई ने दिया, गोपाल मेरा भाई रहता है ना जंगल में, उसने दिया। कौन गोपाल? बोले वो पीतांबर कसा हुआ रहता है और मोर मुकुट पहनता है और वेणू बजाता है, क्या सुंदर बांसुरी बजाता है, ये उसका भाई का वर्णन कर रहा है, ऐसा मेरा गोपाल है और ऐसी उसकी आंखें। तो गुरु जी कहते पागल बनाता है, तेरा कोई भाई नहीं है, मैं जानता हूँ तेरे घर में, जानता हूँ तेरे माँ का अकेली है, विधवा है और कोई तेरा भाई नहीं, तो ऐसी फेंका है। तो बोले चलो गुरु जी मैं मिला देता हूँ, और जंगल में ले जाता है और गोपाल को आवाज देता है, गोपाल आता है, गोपाल से बातें कर रहा है, गुरु जी को दिखता नहीं, गुरु जी को कहां से दिखेगा गोपाल? श्रद्धा तो इसकी है, गुरु जी की कहां है श्रद्धा? अज्ञस्य अश्रद्धस् संशयात्मा। तब फिर वो गोपाल को प्रार्थना करता है, भैया बहुत भेद पड़ेंगे, गुरु जी को दर्शन दे दो नहीं तो खूब मारेंगे भेद से। तो इस बालक के भेद बताने के लिए उस गुरु को भी दर्शन दे देते। स्वामी जी बड़ी सुंदरता से वो कथा बताते, श्रद्धा, संशय होगा तो गए और संशय नहीं होगा तो एकलव्य को कैसे आगे सारी धनुर्विद्या? संशय है ही नहीं, अंगूठा काट करके देते समय संशय नहीं, कहीं पर भी संशय नहीं उसके मन, गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा है। और जिसके मन में श्रद्धा है वही ज्ञान को प्राप्त करता है, और इसके लिए हमारे पास में कोई पर्याय नहीं है, विकल्प नहीं है, ये करना ही है, संशय को हटाना ही है। और कैसे हटाना? तो उन्होंने कहा कि योग असन्यस्त कर्माणम, योग के द्वारा कर्मों का त्याग करके, मतलब कर्मों में योग करके, कर्म के योग का मार्ग, निष्काम भाव से लक्ष्य प्रेरित बहुजन हिताय निस्वार्थ भाव से कुशलता पूर्वक श्रेष्ठ कर्म सतत करना, इस योग के द्वारा कर्मों के इष्ट अनिष्ट और मिश्र फलों से अपना मुक्ति पाकर के ज्ञान सच्छिन्न संशयम, ज्ञान के द्वारा संशय को पूरी तरह से छिन्न करके आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय, ऐसा जो आत्मवान व्यक्ति है, अपने आप में तुष्ट रहने वाला व्यक्ति है, जिसने अपने आप को जीत लिया है, उसको कोई कर्म बांध नहीं सकते, ऐसा तू बन। तस्मात
अज्ञान संभूतम रुत्सम, तुम्हारे अपने हृदय में बैठा हुआ आत्मन है, अपना तुम्हारा खुद का, किसी का दूसरे का दिया हुआ नहीं। हम अपनी अपने संशय के लिए दूसरों को, अभी मैंने भी कहा ना हमारा एजुकेशन ऐसा करता है, लेकिन वो एजुकेशन सबको मिला है, उन्हीं में से कोई श्रद्धावान भी निकलता है, कहां से निकलता है? स्वामी विवेकानंद ने भी उसी एजुकेशन को लिया था, कहां से निकलता है? क्योंकि वो अपने आप से प्रश्न पूछता है, वो अपने प्रयत्न से निकलता है। इसलिए ज्ञानासीन आत्मन, ज्ञानासीन मतलब ज्ञान रूपी तलवार से, ज्ञानासीन ज्ञान की तलवार से सचित्वैनम संशयम, संशय को पूरी तरह से तोड़ करके काट करके, कैसे ये जान लो कि वो संशय कहाँ है, वो अज्ञान संभूतम है, अज्ञान से पैदा हुआ है, रुत्सम है, तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ है, तुम्हारा अपना है, उसको ज्ञान रूपी तलवार से छित्वैनम पूरी तरह से उसको काट डालो संशय को, और योग में आतिष्ठ प्रतिष्ठित हो जाओ, योग में सिद्ध हो जाओ, कर्म योगी बन जाओ, अपने प्रत्येक कर्म में व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन, व्यवसाय बुद्धि को एकाग्र करके, निष्काम बुद्धि को, समत्व बुद्धि को, कुशलता की बुद्धि को एकाग्र करके योग में आतिष्ठ होने की पूरी प्रक्रिया दूसरे अध्याय में बताइए। इस प्रकार से आतिष्ठ होकर के उत्तिष्ठ खड़े हो जाओ, युद्ध करो, वो तो आ गई, वो तो केक छूटेगी नहीं, भगवान श्री कृष्ण की टेक है वो, हर बात के बाद में कहते हैं सारा रास्ता तेरे को बता दिया, अब युद्ध कर, ये सारा करके अब युद्ध कर, इस सारे को ध्यान से अपनी ज्ञान की तलवार निकाल, संशय को काट दे और युद्ध कर, कर्मयोगी बनकर के युद्ध कर, ऐसा यह ज्ञान कर्म संन्यास योग रूपी तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय कृष्ण और अर्जुन के संवाद का यहां आज समाप्त होता है। यज्ञ का स्वरूप, विभिन्न प्रकार के यज्ञों का स्वरूप, उन सारे यज्ञ कर्म के द्वारा वास्तविकता में जीवन के जितने भी कर्म हैं, चाहे नियत कर्म हो, अपना जीवन जिसके लिए वह कर्म हो, चाहे शारीरम कर्म हो, चाहे लोक संग्रह के लिए किया गया कर्म हो, वो सारा का सारा कर्म यज्ञ है। यज्ञ के भाव से करो, यज्ञ के भाव से कर्म करने से वह कर्म ज्ञान में परिणत होगा, ज्ञान में उसकी परिसमापना होगी, और उस ज्ञान के द्वारा ही कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। इसलिए जो तुम बार बार कह रहे हो, अर्जुन कह रहा है ना, ये युद्ध करने से अच्छा है कि मैं ये सब छोड़ छाड़ करके जंगल में जाऊं, सन्यासी बन जाऊं, भूख तो आ भिक्षा मांग लू, भिक्षा मांग करके जी लू, ये ज्यादा अच्छा है, इससे अच्छा तो भिक्षा मांगना है, सन्यासी बन जाऊं, तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं सन्यास का ये मार्ग है, योग में आतिष्ठ होकर के, योग में प्रतिष्ठित होकर के उत्तिष्ठ युद्ध कर, यही है सन्यास है। यह वास्तविकता में ज्ञान के द्वारा कर्म का सन्यास है, अपने स्वस्वरूप का, साक्षात स्वरूप का भान पा करके उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं, इस बात को ध्यान में रखते हुए, अपने आप पर संशय ना करते हुए, आत्म संशय से दूर होकर के ज्ञान के तलवार के द्वारा उस अपने आप पर करने वाले संशय को हटा करके, या आत्मना कहकर के एक बात और कह दी भगवान श्री कृष्ण ने, कोई दूसरा तुम्हारा संशय नहीं हटा सकता, तुमको खुद को ही हटाना, वहम खुद को ही दूर करना पड़ता है, संशय जो होता है मन में वो खुद को ही दूर करना पड़ता है, और वह ज्ञान की तलवार से ही होता है। इसलिए उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए श्रद्धावान होकर के प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया, यह कर्म रूप है उसका, जिससे श्रद्धावान तत्पर और संयत इंद्रिय, अंदर में श्रद्धा जगानी है तो बाहर प्रणिपात से शुरू करना पड़ेगा, श्रद्धा जगेगी तब प्रणिपात करेंगे ऐसा नहीं है, प्रणिपात का अभ्यास शुरू कर देने से अपने आप श्रद्धा जगेगी, अपने आप को लगाओ तो कहीं पर तो लगाओ, कहीं पर तो आज्ञा पालन करो, कहीं पर तो पूरी तरह से झोंक दो अपने आप को, बिना संशय को छलांग लगा दो, उस बालक को अपन ऊपर फेंकते हैं और वो हंसता है, उसके मन में संशय नहीं है कि वो गिर जाएगा, उसको पूरा विश्वास है मां के ऊपर, उसको पूरा विश्वास है अपने से बड़ों के ऊपर, इसलिए उसको हवा में फेंक रहे और वो हंस रहा है, संशय नहीं, पूरी श्रद्धा है, ऐसी श्रद्धा, ऐसी आत्मश्रद्धा, ऐसी अपने आप के अंदर यह श्रद्धा जागृत करना, वही संशय को मिटाने का माध्यम है, और पर्याय कुछ नहीं, संशय के बिना काम नहीं चलता, संशय होगा चल जाएगा, बाद में देखेंगे, धीरे धीरे दूर होगा, यह हमारा सबसे
सरल उत्तर, इतने वर्षों की आदत पड़ी है ऐसे ही थोड़ी चली जाएगी, धीरे धीरे ठीक होगा, कुछ धीरे धीरे नहीं ठीक होगा, ये झटके से ही होता है। इसलिए कहा तलवार से काटो उसको, तलवार का काटना जो होता है वो शार्प कट होता है, काट हलाल नहीं, झटका, झटके से ही काटना है उसको, और झटके से उस संशय को काट करके योग में प्रतिष्ठित होकर के युद्ध करो, जीवन का युद्ध करो, ऐसा ये मार्ग इस 14वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। यदि किसी को कुछ कहना हो, शंका हो, प्रश्न हो तो बताइए, नहीं तो कल अपन इस अध्याय का एक बार पूरा फिर से रिव्यू करके और बाकी अध्याय को शुरू करेंगे। संशय छिन्न झाल्याशिवाय श्रद्धा जागृत होत नाही एक बार, आणि ज्ञान प्राप्तीशिवाय संशय जात नाही आणि श्रद्धेशिवाय ज्ञान येत नाही। हा श्रद्धेशिवाय ज्ञान येत नाही, आधी ज्ञान की आधी पहिले आहे, पहिले अंडा या पहिले मुर्गी, पहिले नंतर श्रद्धा। नाही नाही बहुत क्लियर है, मतलब उसमें मैंने भी बताते समय उसको स्पष्ट करने की कोशिश की, श्रद्धा भाव है और उसका कर्म है प्रणिपात, प्रणिपात शुरू करो श्रद्धा जगेगी, संशय के साथ भी प्रणिपात करो। विवेकानंद नरेंद्र को संशय था ना, संशय नहीं था क्या गुरु पर संशय? रामकृष्ण की परीक्षा ली उन्होंने, बार बार परीक्षा ली, वो ताकामाटी ताकामाटी कहते समलोष्टाश्म कांचन, भगवदगीता में श्लोक आता है कि जिसके लिए मिट्टी और सोना एक समान हो जाए, पंडित समदर्शिना, वह पंडित है। रामकृष्ण ने उसके लिए साधना की, एक हाथ में मिट्टी रहते थे, एक हाथ में सिक्का लेते थे, टाका, टाका कहते सिक्के को, वहां पर रुपए को टका कहते, टका अपन जो टका बोलते बांग्ला में उसका उच्चारण टाका हो जाते, टाका, टाका माटी करते थे और दोनों को गंगा जी में फेंक देते थे कि दोनों मेरे लिए समान। तो कहते कहते ऐसा कहते कि उनके अंदर उसकी सिद्धि हो गई थी और उस कारण से लोग कहते थे कि उनको यदि कोई पैसा स्पर्श कर जाए तो उनको करंट सा लगता है और वो परेशान हो जाते। नरेंद्र ने कहा ये सब बाबा जी, संशय है लेकिन प्रणिपात नहीं छोड़ा, संशय है प्रणिपात नहीं छोड़ा, प्रणिपात था तो श्रद्धा जग गई, संशय का निरसन कर लिया। कैसे निरसन कर लिया? उन्होंने कहा इस बारे में शंका है परीक्षा ले। उन्होंने उस उनके जब वो नहाने गए थे तो उनके तखत पर चादर के नीचे एक रुपए का सिक्का रख दिया, ठका रख दिया नरेंद्र ने, और पिलर के पीछे छुप करके देख रहे कि अब क्या होता है, अब देखो बूढ़ा क्या करता है। आए नहा करके और जैसे बैठे वैसे करंट लगे, जैसे उठ गए, कुछ है कुछ है कुछ है कुछ है, हृदय देखो यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, क्या है पता नहीं, जैसे बिच्छू काट गया हो वैसे उठ करके खड़े हो, चादर को झटका, टका नीचे गिरा, रामकृष्ण ने देखा और मुस्कुराए, इधर उधर देखा, ठीक है मेरे, ठीक है, गुरु को जांचो, परखो, दिन में देखो, रात में देखो, ऐसे मत मानो, जानो। इसलिए संशय होते हुए भी उसको दूर करने के लिए प्रणिपात की व्यवस्था है, उससे संशय दूर होगा, संशय दूर होगा, श्रद्धा जगी, इतनी अनुभूतियां हो गई, मतलब भगवती के दर्शन हो गए, उसके बावजूद संशय नहीं मिटा। देखिए आप रामकृष्ण के प्रति, उनके मन में शंका जगी, रामकृष्ण के पास में खड़े हैं नरेंद्र, अंतिम समय है, कुछ दिन बचे हुए हैं, और उस समय अप्रैल में उनका शरीर शांत हुआ 1886 में, और यह घटना शायद फरवरी 1886 की घटना हो गई, शरीर छोड़ने से 2-3 महीने पहले की घटना है, नरेंद्र खड़ा है और उसके मन में शंका है। सब लोग कहते हैं, बलराम बाबू तो बार बार कहते हैं, बलराम बोस बार बार कहते थे, शशि महाराज हमेशा कहते थे कि रामकृष्ण तो ये अवतार है, रामकृष्ण तो अवतार है, जिनके सन्निधि में निर्विकल्प समाधि हो गई, अद्वैत वेदांत के अंतिम सत्य का साक्षात्कार हुआ, साकार भगवती के दर्शन हुए, कण कण में व्याप्त वैश्वानर के दर्शन हुए, यानी साधना की जो 3 पद्धतियां विद्यमान है उस सबके अंतिम स्वरूप के दर्शन हुए, उस व्यक्ति को गुरु तो मान लिया, साधक तो मान लिया, अवतार मानने को तैयार। शंका है, संशय है, श्रद्धा भी है, संशय साथ है, और श्रद्धा कितनी उसके पहले की घटना है, इस शंका से पहले की घटना है, कितनी श्रद्धा कि वो कैंसर का मवाद था, यहां पर कैंसर का ये था, उसमें से मवाद निकलता था, रस्सी निकलती थी बस, और कैंसर के रोगी के कमरे में भी जाते हैं तो दुर्गंध आती है, इतना वो मवाद, मतलब इतना दुर्गंध उठा भरा होता है, इतना सड़ा हुआ मवाद होता है,
तो नरेंद्र देखते थे कि ये जो मेरे गुरु भाई है वो गुरु की सेवा करते समय इनके चेहरे पर घिन आती है, घृणा आती है, उसको साफ करते समय इनके चेहरे ऐसे मलिन होते हैं, गुरु का मवाद साबित करते समय ऐसे मलिन, वो तो प्रसाद है। सारे जब गुरु भाई थे वहां पर तब तो वो मवाद को साफ करके कटोरी में रखा है, नरेंद्र ने उठाया और खा पी गए कि ये तो मेरे लिए प्रसाद है गुरु का, इतनी श्रद्धा है गुरु के प्रति, फिर भी शंका अवतार है कि मन में आया। सब लोग कहते हैं अवतार है, पर ये है क्या? इन्होंने खुद तो कभी नहीं कहा, और भागवत कहता है जो अवतार है वो कभी ना कभी तो ये घोषणा करता है कि मैं अवतार हूं, इन्होंने तो कहा नहीं, मन में ही चल रहा है, बोला भी नहीं। रामकृष्ण ने हाथ पकड़ा, कैंसर है गले का, बोला नहीं जाता था, पूरी शक्ति बटोर करके कुछ बोले। नरेंद्र ने कान पास में ले जाकर के सुनने की कोशिश की, जोर से आवाज निकाली और जोर से आवाज निकाल करके कहा, जो राम है, जो कृष्ण है, वही रामकृष्ण है, जोर से। तब शंका का निरसन हुआ, इसलिए नरेंद्र ने वह श्लोक लिखा है, अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः, सर्वधर्म स्वरूपिणि। ये रामकृष्ण के बारे में उन्होंने लिखा, धर्म संस्थान बना था है, जो आए हुए ऐसे वो है, अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः, स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणि, अवतार वरिष्ठाय रामकृष्ण। शंका है पर श्रद्धा है, शंका लेने को संशय लेने को मना नहीं किया, लेकिन श्रद्धा को जगने के लिए प्रणिपात चलते रहना चाहिए, शंका का निरसन भी होते रहना चाहिए। शंका लेकर के जो बैठ जाता है और कर्म करना छोड़ देता है वो शंका है, इसका प्रणिपात तो है, प्रणिपात उसका मार्ग बताए। और सेवा, सेवा सबसे ज्यादा मैंने देखा है, जो आज के आधुनिक युग की जो शंका है, आधुनिक युवा की जो शंका है, वो शंका है सेवा से दूर होती है, प्रत्यक्ष सेवा से शंका दूर होती है। सेवा से हृदय बड़ा होता है, और जब हृदय बड़ा होता है तब शंका दूर होती है, मन के संशय तब दूर होते हैं। और समाज के अंदर जो संशय फैले वो भी सेवा से ही दूर होता है, इसलिए सेवा बहुत महत्वपूर्ण है, प्रत्यक्ष सेवा बहुत महत्वपूर्ण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ